सो क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। ये वो टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ में जब स्टूडेंट्स और इवन उनके पेरेंट्स भी सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। सिर्फ 2 महीनों में कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स एंड टू डू दिस इज सक्सेसफुली द ओनली वे इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इन टाइम मैनेजमेंट द फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक ज़्यादा अटेंशन की जरूरत है उनको आप प्रायोरिटाइज कीजिए। अपने कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर एंड स्पेसिफिक टाइम अलॉट कीजिए हर एक सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक। एंड द सेकंड थिंग इज सेट स्मॉल गोल्स। हर रोज के लिए आप कुछ गोल सेट कीजिए कि आज के दिन मुझे ये टॉपिक करना है ये सब्जेक्ट कवर करना है और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए एनी हाउ। द थर्ड थिंग इज टेक रेगुलर ब्रेक्स। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ के कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर एवरी 50 मिनट्स टेक 5 to 10 मिनट स्मॉल ब्रेक। इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट ऑन योर स्टडीज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लेंगे बाद में कर लेंगे थोड़ा मोबाइल चला दे रहे हैं थोड़ा टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर सो जाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए अदरवाइज ये आपको अपने गोल से दूर लेके तो जाएगी साथ ही साथ एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे आपको प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके सारे स्टडी मटेरियल को पहले से ऑर्गेनाइज रखिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस टाइम आपको ढूंढना नहीं है कि क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ बुक कहाँ है नोटबुक कहाँ है सारे नोट सारी बुक सारे स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। फॉलो दीज स्टेप्स एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क वंडर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर टेक योर फर्स्ट स्टेप नाउ। थैंक यू।